नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रुपया नहीं मिलने से नाराज पुत्र ने पिता पर चलाई गोली, बाल बाल बच्चे पिता, जांच में जुटी पुलिस। आर्मी बहाली की मांग को लेकर छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन, कहा सरकार कर रही है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। पदभार ग्रहण करते ही एक्टिव मोड में नजर आए नगर आयुक्त, स्मार्ट सिटी के कार्यों का किया निरीक्षण। गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबा युवक, शव की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। और अखिल भारतीय महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से मनाई गई राणा प्रताप की जयंती। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत घंटागढ़ चौक के समीप सोमवार की अहले सुबह एक पुत्र ने अपने पिता पर गोली चला दी, जिसमें पिता बाल बाल बच गए। दरअसल अलीगंज निवासी निरंजन सिंह पर उसके द्वितीय पुत्र अमरजीत ने घंटाघर स्थित दुकान पर ही गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। निरंजन सिंह पेशे से चिकन व्यवसायी हैं और लंबे समय से घंटाघर चौक पर चिकन मीट का कारोबार करते हैं। वहीं मामले को लेकर निरंजन सिंह ने बताया कि वे अपने चिकन शॉप पर झाड़ू दे रहे थे, तभी उनका पुत्र अमरजीत अपने दो साथियों के साथ दुकान पर आया और विवाद करने लगा, जिसका विरोध करने पर उसने कमर से पिस्टल निकालकर उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। निरंजन कुमार ने कहा कि गोलीबारी के क्रम में वह काउंटर के पीछे जाकर छिप गए, जिसके कारण उनकी जान बच गई और पिस्टल की गोली खत्म होने के बाद उन्होंने अमरजीत का पीछा कर उसे दबोच कर आसपास के दुकानदारों की मदद से उसे बंदी बना लिया। निरंजन सिंह ने कहा कि साल 2013 में उन्होंने यूनियन बैंक से 10 लाख रुपए लोन लिए थे, जिसको लेकर पुत्र और पिता में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। हालांकि आरोपी अमरजीत का कहना है कि उसके पिता ने अलीगंज में पैतृक जमीन को बेच दिया है और इसी सिलसिले में वह पिता से बातचीत करने के लिए वहां आया था। वहीं घटना के बाद चिकन व्यवसायी की पत्नी पूनम देवी और अमरजीत का भाई राजीव भी दुकान पर पहुंचा और निरंजन सिंह के साथ उसकी पत्नी और बेटे में हाथापाई होने लगी, जिसका फायदा उठाकर अमरजीत वहां से फरार हो गया। इधर गोलीबारी की जानकारी मिलते ही कोतवाली, तिलकामांझी और जोगसर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौके से एक पिस्टल के साथ दो खोखर, दो जिंदा कारतूस और एक मोबाइल भी बरामद किया। हालांकि बताया जा रहा है कि आरोपी अमरजीत का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वह अलीगंज बम कांड मामले में भी जेल जा चुका है, जबकि उसका पिता निरंजन सिंह भी अपनी पुत्री की हत्या मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल तिलकामांझी पुलिस पीड़ित से पूछताछ कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। आपके साथ कभी मारपीट किया है? हाँ, मारपीट किया है। आज कितना राउंड फायरिंग किया? तीन चार राउंड फायरिंग किया। हम तो बेहोश हो गए, हम तो गिर गए, हमको तो पता नहीं चला। काउंटर हमको बचा लिया। मैं तो आज तो यहाँ, मतलब आपके जान लेने के नियत से ही हुआ है? हाँ, जान लेने के लिए, हमको मारने के लिए आया था। आर्मी की बहाली और एग्जाम नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसका असर सोमवार को भागलपुर स्टेशन परिसर में देखने को मिला। आंदोलन कर रहे छात्र आर्मी में बहाली की मांग को लेकर केंद्र सरकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं प्रदर्शन कर रहे उग्र छात्रों ने कुछ समय के लिए लोहिया पुल से स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर आवागमन बाधित कर दिया, जिसका नेतृत्व डिफेंस एकेडमी के संचालक पूर्व पैरा कमांडो रंजीत सिंह सोलंकी ने किया। रंजीत सिंह सोलंकी ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और पिछले दो साल से आर्मी की बहाली नहीं निकाले जाने से मेहनत कर अभ्यर्थी लंबे समय से बहाली के इंतजार में अपना पसीना बहाने में लगे हैं। साथ ही कहा कि अगर समय पर बहाली नहीं निकाली गई तो उनकी मेहनत विफल हो जाएगी, जो इन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। इसके अलावा उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि यदि 20 दिन के भीतर उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करेगी तो भागलपुर स्टेशन की ओर जाने वाली सभी ट्रेन के परिचालन को बाधित कर दिया जाएगा। वहीं छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सदर एसडीओ धनंजय कुमार और सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार दलवल के साथ स्टेशन पहुंचे और कुछ ही देर में पूरा स्टेशन परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हालांकि सदर एसडीओ ने आक्रोशित छात्रों को समझा बुझाकर उनकी मांग को जायज बताते हुए पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी छात्रों द्वारा प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। बहाली को लेकर इन्होंने आज एक प्रोसेशन करा था,
पूर्व में इन्होंने बताया था कि इसके विरोध में ये लोग चक्का जाम वगैरह, इसकी सूचना मिली थी सुबह में 9:30 बजे के करीब। फिर इनसे बात की गई, फिर इनका जो भी मांगे हैं उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से हमें सौंप दिया है और हम लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि जो भी उनकी मांगे हैं उसको हम लोग वरीय पदाधिकारी तक उचित माध्यम से पहुंचा देंगे और इस पर जो भी अग्रेतर नियमानुसार कार्रवाई अपेक्षित है वो निश्चित रूप से की जाएगी। लगातार तो बोलना उचित नहीं रहेगा, जहाँ तक आप लोगों को भी जानकारी होगी कि BPSC एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है और अगर आप हिस्ट्री देखें तो लगातार प्रत्येक साल वहाँ पर बहाली हो रही है और इतने संख्या में बहाली हो रही है और सही तरीके से और सही समय पे कि अन्य राज्य के भी विद्यार्थी आते हैं और अभी हमारे ही जिला में बहुत अन्य राज्य के लोग भी पदस्थापित हैं। तो निश्चित रूप से मतलब BPSC ने जो सफल कार्य किया है वो इसको दर्शाता है। कल वाले में जो भी हुई है उसके लिए BPSC के द्वारा टीम गठित की गई है और जो भी टीम के द्वारा रिपोर्ट हो जाएगा, जो हम लोग को जानकारी है जैसा पेपर में आया है कि वहाँ पे उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के नगर आयुक्त योगेश कुमार पदभार ग्रहण करते ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल सोमवार को नगर आयुक्त जिले के सैंडिस कंपाउंड पहुंचे, जहां उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत चलाए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने सैंडिस कंपाउंड के जीर्णोद्धार को लेकर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सैंडिस कंपाउंड के सौंदर्यीकरण के सभी कंपोनेंट पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कि हैंड ओवर करने योग्य हो चुके हैं, जबकि स्विमिंग पूल और बास्केटबॉल कोर्ट समेत कुछ कार्य शेष रह गए हैं जिसको मॉनसून से पहले समाप्त करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। नगर आयुक्त ने कहा कि इसी सिलसिले में DM और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक की जानी है, जिसमें स्मार्ट सिटी से जुड़े सभी कार्य योजनाओं पर समीक्षा की जाएगी। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत सड़कों पर पाइपलाइन कार्य से होने वाले ट्रैफिक जाम पर भी नगर आयुक्त ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि शहर में जाम की समस्या एक चुनौतीपूर्ण विषय है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन और निगम प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि बहुत जल्द शहर में जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस दौरान स्मार्ट सिटी के कई अधिकारी और कर्मी भी मौजूद रहे। अभी स्मार्ट सिटी में सैंडिस कंपाउंड में जितनी भी योजनाएं ली गई हैं उसका निरीक्षण अभी किया गया है, उसमें ऑलमोस्ट सभी योजनाओं का इन लोगों ने टाइमली कम्प्लीट किया है। 2-3 जगहों का भी काम चल रहा है, स्विमिंग पूल और आपका जो है कुछ कुछ क्लीवलैंड का पार्ट है और बास्केटबॉल में कुछ इशू है, बास्केटबॉल ग्राउंड में वहाँ पर काम चल रहा है। अभी हम लोग जितना देखें उसमें ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, जो हैंडओवर की स्थिति में भी है। इस तरीके की समस्याएं हम लोग को सुनने में आई हैं कि जो पानी का सप्लाई है वो कहीं ना कहीं उसमें गंदगी ज़्यादा है या हरे पानी का भी हम लोग फोटोग्राफ प्राप्त हुए हैं, उस संबंध में भी हम लोग पहले एक जाँच कराएंगे। अभी निरीक्षण भी मोस्ट ऑफ इवनिंग में जो आपका जलकल वाला है जहाँ पर ये फिल्टर वगैरह का प्लांट भी लगा है वो भी हमारे द्वारा किया जाएगा और उसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको जल्द से ठीक। ये इशू भी एक इम्पोर्टेंट है, जहां भी बुडको ने काम किया है जलापूर्ति वाला उसमें अभी जो हमारी संज्ञान में आया है कि कुछ वार्ड में उसने 50% वार्ड में ही काम जो है उसमें कंप्लीट किया रोड वाला और कुछ में अभी छूटा हुआ है जो टूट के अभी भी नहीं बना है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका समीक्षा बैठक भी हम लोग अपना भी करेंगे और DM सर द्वारा भी इसकी समीक्षा लगातार की जा रही है। सुल्तानगंज अजगैवी नाथ में सोमवार की सुबह गंगा स्नान करने आया एक युवक गंगा स्नान करने के दौरान डूब गया। बताया जा रहा है कि डूबने वाला युवक झारखंड के मिर्जा चौकी साहेबगंज निवासी अजय चौधरी का 17 वर्षीय पुत्र विशाल कुमार उर्फ आदित्य राज है, जो झारखंड से मुंडन कराने अजगैवी नाथ गंगा घाट आया था। वहीं गंगा स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण विशाल गंगा में डूब गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही SDRF टीम मौके पर पहुंची और डूबे युवक की तलाश में जुट गई। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि SDRF टीम द्वारा विशाल की तलाश की जा रही है। साहेबगंज से आए यहाँ गंगा घाट नहाने के लिए, बउआ का मेरा एक बेटी है बेटा उसका मुंडन के लिए हम लोग जा रहे थे, तो स्नान करने के लिए सोचे कि स्नान उस्नान करके गंगा जल लेके जाएंगे। बस स्नान करने के लिए वो गया और स्लिप कर गया वहाँ पे, बस ये तेज वहाँ से बहते गया। यहाँ ही नाव वालों को हम बोले कि बाबू मेरे बच्चा मेरा डूब रहा है, जरा बचा लो, कोई नहीं सुना, यहाँ पे सब देखते रह गया, मेरा बेटा बस ऐसे यहीं पे। अपनी वीरता और पराक्रम से दुश्मन को धूल चटाने वाले देश के महान सपूत और त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति महाराणा प्रताप सिंह की जयंती सोमवार को देश भर में धूमधाम से मनाई गई। वहीं इसको लेकर भागलपुर के आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में अखिल भारतीय महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा, MLC विजय कुमार सिंह, डॉक्टर मृणाल शेखर, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर,
डॉक्टर अजय कुमार सिंह, विष्णु शर्मा समेत कई लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस दौरान महाराणा प्रताप की घोड़े पर सवार प्रतिमा पर मल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर अतिथियों ने नमन किया। इसके अलावा कार्यक्रम को बारी बारी से सभी अतिथियों और वक्ताओं ने संबोधित किया। मौके पर काफी संख्या में शहरवासी और महाराणा प्रताप के चाहने वाले लोग मौजूद रहे। जयंती के अवसर पर क्योंकि आज 9 मई है, उनकी जयंती का दिन है, उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। मैं आयोजकों को तहे दिल से महाराणा जयंती का आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। और महाराणा प्रताप आप देख समझाते होंगे, उनकी मुगल शासकों से बहुत लड़ाई हुई थी और हल्दी घाटी जो था सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन उन्होंने कभी स्वाभिमान से कम्प्रोमाइज नहीं किया। और महाराणा प्रताप की जो सोच थी, हम चाहेंगे कि आज के युवा उस सोच से आगे बढ़े और बिहार और देश को आगे बढ़ाने का काम करें और हर वर्ष इस जयंती के अवसर पर उनको याद करके सबको सम्मानित करें। महाराणा प्रताप जी की जयंती का कार्यक्रम यहाँ के महाराणा प्रताप फाउंडेशन के द्वारा रखा गया है। उस कार्यक्रम में हम लोग को आमंत्रित किया गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और एक सामाजिक कार्यक्रम है। इन लोगों ने उनके शौर पर जयंती के रूप में इन्होंने मनाने का फैसला लिया, अच्छा कदम है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की हमेशा हमारे पूर्वजों और जो भी देश के लिए भारतीय रहे उनके ऊपर कार्यक्रम हमेशा आयोजित होती रहनी चाहिए, ताकि लोगों को भी या आने वाले पीढ़ियों को भी इसका स्मरण बना रहे। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल जीवन का आधार है। जल संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शहर की मुख्य समस्याओं में से एक है पानी की समस्या। गर्मी आते ही भूमिगत जल स्तर नीचे चले जाने से जगह जगह पानी की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है। भागलपुर मौलाना चक रोड सरलाही में बोरिंग नहीं होने के कारण सैकड़ों घरों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, और जब लोगों ने इसकी सूचना युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव को दी तो उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर अपने निजी कोष से बोरिंग का काम शुरू करवाया, जिसका शिलान्यास युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने नारियल फोड़ कर किया। इस दौरान राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन, प्रदेश सचिव गणपत राम, जिला अध्यक्ष राजेश हरी, पार्षद प्रतिनिधि विनय गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं बोरिंग का काम शुरू होते ही स्थानीय लोगों के बीच खुशी का माहौल दिखाई दिया। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि या समाज सेवी ने ऐसा कार्य नहीं किया जिससे इलाके के लोगों को पानी की समस्या दूर हो सके। साथ ही कहा कि समाज में ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो आम जनों की जरूरत को समझे और उसे पूरा करे। इधर समाज सदस्य विजय कुमार यादव ने बताया कि पूरे शहर में लोग पानी के लिए परेशान हैं और इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उन्होंने लोगों की जरूरत को देखते हुए अपने निजी कोष से शहर में कई स्थानों पर बोरिंग कराकर घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है। मौके पर मनोज मेहरा, संजय हरी समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। जो है वार्ड 41 और यहाँ पे जो है एक पियाऊ का जो है उद्घाटन किया गया, जब आज शुरुआत हुई इनकी इसका कार्य के लिए आज जो है विधिवत उद्घाटन हुआ। और ये साथ में हमारे विनय चा हैं और इनके ही माध्यम से इनके द्वारा मुझे खबर मिली थी कि यहाँ पे पानी की बहुत ज़रूरत है और उस ज़रूरत को देखते हुए यहाँ पे आज तत्काल जो है पियाऊ के लिए शुरुआत किया गया। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने पूरे भागलपुर में जिस गली मोहल्ले में चले जाइए उस गली मोहल्ले में पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। पेयजल के लिए बहुत ही असुविधा है पूरे भागलपुर में। लगभग प्रत्येक वार्ड में कहीं ना कहीं हम अपने स्तर से शुरुआत कर रहे हैं कि नहीं कहीं ना कहीं जो है कुछ सुविधा लोगों को दिया जाए, लेकिन जब तक सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठाएगी तब तक आम आदमी कितना कर सकता है। जितना मुझे औकात है उस हिसाब से मैं अपना कर रहा हूँ, लेकिन इसमें सरकार को पहल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी की समस्या सबसे बड़ी हमारे भागलपुर शहर में बहुत ज़्यादा है। पानी की समस्या थी जो कि आज हम लोग सब जनता के सहयोग से और विजय जी के सहयोग से मिलजुल कर अपना एठोपियाऊ का सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने उद्घाटन किया जो कि बहुत बड़ा ही समस्या था, जो कि प्रतिदिन जनता यहाँ का मैंने 50 गो 20 गो 25 गो प्रतिदिन जनता तब जाता था घर पर, बोलता था कि पानी की बहुत बड़ा समस्या। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी।
आपके नजदीकी शहर बौसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ईद मिलन समारोह में शिरकत करने रविवार की शाम भागलपुर पहुंचे। हुसैनाबाद कव्वाली मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उनका स्वागत समाजसेवी कुणाल सिंह और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान पप्पू यादव ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी, साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले किसी भी त्यौहार में लोग आपसी भेदभाव भुलाकर भाईचारे का पैगाम देते थे, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ नेताओं ने इसमें नफरत खोल दिया है। वहीं जाप के प्रदेश सचिव सैयद राकीब हसन, जिलाध्यक्ष नीरज कुमार, जफर मुस्तफा समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता ने पप्पू यादव के भागलपुर आगमन पर खुशी जाहिर की। मौके पर कुणाल सिंह, शेर खान, गौरव आनंद, चौबे सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इंसानियत बचानी है, इंसानियत के भीतर कोई तो आवाज देगा, विचारों को बचाने के लिए कोई तो आवाज देगा, आम आदमी के अधिकारों को बचाने के लिए कोई तो आवाज देगा, पड़ोसी के मुस्कुराने के लिए कोई तो आवाज देगा, इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए। तो भाई 90 के दशक मिट जाएंगे, 90 के दशक से अलग नहीं देख रहे हैं, ये स्थिति वही है जो पहले थी, उससे बुरी स्थिति है जनाब। पटना में कोई हर घर डरा हुआ है, कोई जाति के कारण डरा हुआ है, कोई नफरत के कारण डरा हुआ है, कोई धर्म और मजहब के कारण डरा हुआ है। राज्य में जमीन विवाद के कारण आपराधिक घटनाएं चरम पर है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने जमीन विवाद के मामलों को थाना स्तर पर सुलझाने के लिए जनता दरबार आयोजित करने का निर्देश दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन की उदासीनता और पीड़ितों की फरियाद स्थानीय थाना में नहीं सुनने के कारण बड़ी घटना घट जाती है और फरियादी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला मुंगेर जिले के गंगटा थाना क्षेत्र जनार्दन ढीक गाँव की है, जहाँ पिता की मृत्यु के बाद अकेली पुत्री नीलम कुमारी अपनी पैतृक जायदाद में हिस्सा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। वहीं इसको लेकर नीलम ने बताया कि उसके पिता 3 भाई हैं, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद अब दोनों चाचा उसे जमीन में हिस्सा देना नहीं चाह रहे हैं। उसने बताया कि उसके चाचा और चचेरा भाई दबंग प्रवृत्ति के हैं और जब वह अपनी जमीन पर बटाईदार से गेहूं लेने पहुंची तो उसके चाचा हीरालाल मोदी, राजपति मोदी, जयकिशोर मोदी, राजेश चौरसिया एवं प्रभाकर कुमार खेत पहुंच गए और मारपीट करने लगे। उन्होंने कहा कि हीरालाल मोदी और उसके पुत्र प्रभाकर ने उसे रेप कर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद वह काफी भयभीत हो गई और घटना के लिखित शिकायत स्थानीय गंगटा थाने में दी। नीलम ने कहा कि इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उसने DIG, SP, SDO और CO को आवेदन देकर न्याय की हाथ लगाई है। पीड़ित नीलम ने बताया कि उसे डर है कि कहीं संपत्ति के लालच में उसके बड़े पिता, चाचा और चचेरे भाई उसके पति और पुत्र की हत्या ना कर दे। वहाँ पर मारपीट करने लगा और थे, हम लोग को पूरा बेइज्जत किया, गाली गलौज किया, कपड़ा रखकर फाड़ दिया। हाँ, इसके बाद जाकर थाना गया तो आवेदन नहीं लिए। उसके बाद CM हाउस फोन किया, वहाँ पर उसके आवेदन दिए। हम लोग अपना अथी बंटवाने के लिए गाँव गए, इसके बाद आकर को मेरा चचेरा भाई और बड़े पापा आकर को मारपीट अचानक शुरू कर दिए। मामला यही है सर कि हम लोग जो मेरा वाइफ है वो बाप की इकलौती बेटी हैं, उनका जो प्रॉपर्टी है वो मौखिक बंटवारा हो चुका था। हम लोग के पास प्रूफ में बंसावली सरपंच का लेटर सभी है, लेकिन उन लोग जोर जबरदस्ती से देना नहीं चाह रहे हैं। उसका बड़े पापा हैं, उसके बाद उनका चचेरा भाई है और गाँव का कुछ लोग मिले हुए हैं उनके साथ में, जो कि अशोक मोदी हैं, उनके 2 पुत्र हैं और एक अमीर यादव हैं। ये सभी मिलकर कर को मारपीट भी करते हैं और उसके बाद में हम लोग को ज़मीन पर चढ़ने नहीं दिया जाए। बात यही है सर कि सोच रहे हैं कि बेटी का हक किसी भी हालत से हम हड़प लें, और उसके बाद में क्या है, उसको JDO का कार्यकर्ता होने के चलते थाना प्रभारी भी कुछ नहीं कर रहे हैं
हम लोग कितना भी कुछ कहते हैं तो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग हर जगह जाकर कर को आवेदन दे रहे हैं। देखिए सर, सरपंच से लेकर के एसपी, डीएसपी, डीएम और डीआईजी और आईजी, सीएम, उसके बाद पीएमओ को भी हम आवेदन कर चुके हैं। उसके बाद दोनों जो उपमुख्यमंत्री हैं उनको भी आवेदन दे चुके हैं। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र स्थित मोगलपुरा में रविवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े मोहम्मद आरिफ के घर ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें कई लोगों की जान बच गई। दरअसल मामला 19 जुलाई 2021 का है, जहां मोहम्मद आरिफ की पुत्री काजल की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर मोहम्मद इमरान और मोहम्मद मुर्गा के ऊपर केस भी दर्ज किया गया था। वहीं गोलीबारी की घटना को लेकर पीड़ित परिजनों का कहना है कि अपराधियों द्वारा इससे पूर्व में भी दो बार हमला किया गया है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी सूचना देने के बावजूद उन लोगों को प्रशासनिक स्तर से किसी तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। पीड़ित ने कहा कि घटना में शामिल सभी आरोपी नामजद हैं और अपराध के संगीन मामलों में शामिल हैं। साथ ही कहा कि कई बार परिवार समेत जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी है और इस विवाद में उन्होंने अपनी बेटी तक को खो दिया, लेकिन स्थानीय पुलिस कार्यवाही के नाम पर सिर्फ टालमटोल करती आई है। वहीं गोलीबारी की घटना की जानकारी मिलते ही बबरगंज थाना प्रभारी विश्व बंधु दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके का जायजा लेकर दलबल के साथ बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई। मेरा बच्चा जो कपड़ा पसारने के लिए, सुखाने के लिए ऊपर छत पर चढ़े थे तो अचानक कस्सू और इमरान मुर्गा आया और आते ही सर गोली गाली दबाज दिया, गाली देके तो हम लोग पलटी मेरी वाइफ तो उस पर गोली चला दिया मेरे बेटा पे, मेरा बेटा बच गया। कौन चलाया गोली? गोली कस्सू और मुर्गा दोनों ही चला। कहाँ का है ये? हबीबपुर थाना क्षेत्र का है। गाँव? गाँव ये दाऊचक, दाऊचक का है जी सर। ये पहले से कुछ विवाद था क्या? जी विवाद क्या, ये लोग ड्रग्स वगैरह का काम कर रहा था सर, जिसके लिए हमने रोका था कि ये सब काम मोहल्ले में नहीं होना चाहिए, इसका विरोध कर रहे थे। उस तो घर पे चढ़ के मेरी बेटी को भी गोली मार दिया सर 19 जुलाई को। अच्छा, उसके बाद फिर से कंप्लेंट भी लिखा था सर? बिल्कुल सर, हमने इतना कंप्लेंट लिखा है, बहुत कंप्लेंट लिखा है सर। हमने बताया तो कि सारे को DIG से लेके SSP से लेके DGP, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक दिए हैं सर। काजल की हत्या कब हुई थी? काजल की हत्या 19 जुलाई को हुई थी सर, जो 8 महीने की गर्भ से भी थी। साल? पिछले साल जी सर, ये 19 जुलाई वर्ष 2021 में। भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह और निगम के वार्ड पार्षदों ने सोमवार को नए नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर का स्वागत किया। इस दौरान मेयर ने नगर आयुक्त को बुके भेंट किया, जबकि वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि पप्पू यादव ने नगर आयुक्त को रेशमी शहर का अंग वस्त्र ओढ़ाया। मौके पर वार्ड 40 के पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद शकील अहमद, नगर प्रबंधक रवीश चंद्र वर्मा समेत कई कर्मी मौजूद थे। इसके पूर्व पार्षद एकता मंच के संयोजक संजय सिन्हा समेत कई पार्षदों ने नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर के कार्यालय में जाकर उनका वेलकम किया। वार्ड पार्षदों ने नगर आयुक्त से सभी रुके हुए काम को पूरा कराए जाने का आग्रह भी किया। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफर अस्पताल में सोमवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड के विभिन्न पंचायतों एवं सुल्तानगंज शहरी क्षेत्र के वार्डों से आए 100 से अधिक गर्भवती महिलाओं ने अपना स्वास्थ्य जांच कराया, जबकि सभी गर्भवती महिलाओं को क्लिनिकल जांच सलाह देते हुए निशुल्क कई तरह की पैथोलॉजिकल जांच भी की गई। साथ ही चिकित्सक के द्वारा उचित परामर्श के साथ सभी मरीजों को दवाइयां भी दी गई। इस दौरान रेफर अस्पताल के तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद थे। अभी 101 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जी। ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हर महीने के 9 तारीख को होता है, आयोजित होता है। और क्या क्या जाँच होता है? बहुत सारे पेशेंट अपना ये मेनली ये गर्भवती का जाँच है ये जी। वो इसमें हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुपिंग, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसके बाद यूरिन शुगर, यूरिन प्रोटीन, ब्लड शुगर जांच होता है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरपुर शाहपुर मुख्य पथ पर वाशागंज चौक के समीप बेकाबू बाइक की टक्कर में 2 मासूम और 3 महिला समेत 5 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि भागलपुर अंतिचक थाना क्षेत्र के गोपाल ठाकुर अपने परिवार के साथ अमरपुर थाना क्षेत्र के वाशागंज गांव निवासी धर्मेंद्र ठाकुर के घर मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनके घर आए थे। वहीं सोमवार की दोपहर मुंडन कार्यक्रम को लेकर सभी घर की महिलाएं वाशागंज चौक पर गई थी, तभी पवई की ओर से आ रही
बाइक अनियंत्रित होकर महिलाओं की भीड़ में घुस गया। इस घटना में गोपाल ठाकुर की पत्नी बिंदु देवी, कंचन देवी और उसका 6 वर्षीय पुत्र मयंक कुमार, उषा देवी एवं धर्मेंद्र ठाकुर का पुत्र कुमकुम कुमार जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए अमरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने बाइक चालक को पकड़ लिया है, जिसकी पहचान किरणपुर रसुल्ला निवासी मोहम्मद दिलशाद के रूप में हुई है। फिलहाल चिकित्सकों ने सभी जख्मी की हालत खतरे से बाहर बताई है। भागलपुर के करोड़ी बाजार मैदान में आयोजित 5 दिवसीय हुसैनपुर प्रीमियर क्रिकेट लीग सीजन 7 का फाइनल मैच रविवार को खेला गया। इस दौरान हुसैनपुर चैलेंजर और हुसैनपुर सुपर किंग के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर हुसैनपुर चैलेंजर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी हुसैनपुर सुपर किंग की टीम ने 1 विकेट रहते ही लक्ष्य को प्राप्त कर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 4 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका उद्घाटन समाजसेवी कुणाल सिंह और वार्ड नंबर 40 के वसीम खान उर्फ लल्लू ने किया। इससे पूर्व टूर्नामेंट का उद्घाटन वसीम खान ने बल्लेबाजी कर किया, जबकि समाजसेवी कुणाल सिंह ने गेंदबाजी कर युवाओं को खेल की गतिविधि में शामिल होने का संदेश दिया। बता दें कि हुसैनपुर प्रीमियर क्रिकेट लीग मैच में खान स्ट्राइकर, शहबाजिया ट्रेडमार्क हुसैनपुर चैलेंजर्स एवं हुसैनपुर किंग की टीम ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान कुणाल सिंह ने बताया युवाओं को हर क्षेत्र के साथ खेलकूद की गतिविधि में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करनी चाहिए, जिससे उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आ सके। साथ ही उन्होंने विजेता और उपविजेता टीम को बधाई दी। मौके पर आयोजन समिति के सदस्यों के साथ युवा और खेल प्रेमी मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रुपया नहीं मिलने से नाराज पुत्र ने पिता पर चलाई गोली, बाल बाल बच्चे पिता, जांच में जुटी पुलिस। आर्मी बहाली की मांग को लेकर छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन, कहा सरकार कर रही है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। पदभारग्रहण करते ही एक्टिव मोड में नजर आए नगर आयुक्त, स्मार्ट सिटी के कार्यों का किया निरीक्षण। गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबा युवक, शव की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। और अखिल भारतीय महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से मनाई गई राणा प्रताप की जयंती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।